अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द समाज नॉलेज। कैसे हैं आप सभी? आई होप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर खैरियत से हैं। और ये देखें, आज हमने केक तो नहीं बनाया है, बट हमने इसके जो ऊपर की जो क्रीम है वो हमने बनाया है। तो चले मैं आपको इसे बनाना बताती हूँ। और ये देखें, ये बिल्कुल बर्थडे केक की तरह ही दिख रहा है ना, बहुत ही मज़ेदार। और घर में आप इसी तरीके से बना सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी बच्चों के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, हमारे पास फ्रेश मलाई जो है दूध में जमी हुई थी वो हम निकाल रहे हैं एक कटोरे में। इस तरीके से हम सारी जो मलाई है वो अलग निकाल लेंगे और दूध को कर देंगे अलग। और उसके बाद फिर तो हमारा जो ये दूध है वो बिल्कुल चिल्ड है, ठंडा है बिल्कुल, और हमें ठंडी मलाई ही चाहिए क्योंकि रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए हमारी मलाई। तो ये देखें, उसके बाद हमने लिया है बर्फ़ के क्यूब ले लिए हैं हमने, और साथ ही ठंडा एक बर्तन ले लिया है जिसे हमने एक घंटे पहले फ्रीज़र में रख दिया था। और उसके बाद ये देखें, ये मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, इसकी मदद से हम व्हिप्ड क्रीम तैयार करेंगे, मतलब कि केक के ऊपर जो क्रीम लगाई जाती है वो केक की क्रीम हम बनाएंगे घर पर ही। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने मलाई जो निकाली थी बिल्कुल चिल्ड है, ठंडी है। तो इसे हम इस तरीके से छन्नी में थोड़ी थोड़ी करके छना लेंगे। मेरे पास छोटी छन्नी है तो मैं छोटी छन्नी में थोड़ा थोड़ा करके इसे छनाऊँगी। तो ये देखें, इस तरीके से जो पतली पतली धार निकलने लगी है तो हमारी क्रीम वो रेडी हो रही है। और हम यूँ इस तरीके से इसे छनाएंगे थोड़ा सा चम्मच की मदद से। और ये देखिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो इसमें बच जाएगा ना, तो वो उसे हमने नहीं लेना है। ये आप फैट बोल दें या फिर एक्सेस जो भी बचा है, तो बस हमें इसे यूज़ नहीं करना है। तो ये देखिए, इसे हम बिल्कुल अलग कर देंगे क्योंकि वो हमारी क्रीम में शामिल नहीं होगा। अगर आप अच्छी क्रीम बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ को छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसे फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा आपको, जब भी आपकी जो क्रीम है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बन पाएगी। और ये देखें, इसके बाद हमने हैंड ब्लेंडर लिया था तो उसकी मदद से हम इसे फेटेंगे। और हमारी जो मलाई है बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी मलाई जो है वो गर्म हो रही है, तो आप उसे फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दें, उसके बाद फिर से इसे कंटिन्यू करें। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसे पहले फेटा, उसके बाद फिर मैंने पाउडर शुगर जो मैंने घर पर ही बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए, इसके बाद इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ गई है और हमें कंटिन्यू इसे इस तरीके से फेटना है। बहुत ज़्यादा फेटने की ज़रूरत पड़ती है। और जो बची हुई जो हमारे पास पाउडर शुगर है वो थोड़ी थोड़ी करके डालें, तो उससे बहुत ही अच्छी हमारी जो क्रीम है वो बहुत अच्छी फिटती है और बहुत ही अच्छी तैयार होती है। तो ये देखें, हमारी जो क्रीम है उसमें फ्लफीपन जो है वो आने लगा है और बहुत मज़ेदार बनेगी। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें। आप बेकरी से केक ले सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बेकरी से खाली केक मंगवाया था और उसके ऊपर की जो क्रीम है वो मैं घर में ही बनाकर उसे डेकोरेट किया था। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हमारी जो क्रीम है वो फ्लफी होने लगी है और इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लगा है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के समथिंग इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है। और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। और आप जितनी थिक रखना चाहते हैं आपकी क्रीम को, आप उतना ज़्यादा इसे फेटेंगे तो उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। और ये देखें, इस तरीके से ये देखें, जो तो दो तार जो निकल गए हैं, तो मतलब कि हमारी जो क्रीम है वो तैयार होते ही आई है, मतलब हमें थोड़ी सी और मेहनत करने की बस ज़रूरत है। तो ये देखें, इस तरीके से हमारी जो क्रीम है तो वो रेडी हो रही है। और मेरी क्रीम, मुझे लगा कि हल्का सा इसमें ठंडापन कम हो गया है, तो इसलिए मैंने इसमें और बर्फ़ ऐड कर दिए हैं नीचे कटोरे में। और उसके बाद हम हमारी जो क्रीम है उसे और फेटेंगे। तो ये देखें, थोड़े ही देर के बाद हमारी जो क्रीम है वो अच्छी, ये देख सकते हैं आप कि बन गई है और बिल्कुल टपक नहीं रही थी। आपको अगर क्रीम थिक चाहिए तो आप और ज़्यादा इसे फेट सकते हैं। और ये देखें, मैंने
केक बेकरी से मंगवाया था, प्लेन केक, और उसके ऊपर ये जो क्रीम है ये मैंने बनाया है और उसे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। और ये देखें, बिल्कुल दिख रहा है ना बर्थडे केक की तरह ही। और इतने फिनिशिंग के साथ नहीं किया है मैंने, बट एक बच्चों की खुशी के लिए जो करना चाहिए बच्चों को खुश देखने के लिए, तो वो मैंने कोशिश थोड़ी सी की थी और यही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे बताएं आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और हमने और हमारे बच्चों ने तो घर में खूब इंजॉय किया, इस केक को घर में ही तैयार करके बहुत ही इंजॉय किया। आप लोग भी इंजॉय करें अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।